is, I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Guys, कितना मस्त लुक दिख रहा है, नमस्ते ना। Hey guys, जय हिंद, good morning. तो आज है सैटरडे और आज मेरा PR डे है। PR डे मतलब कि पर्सनल रिकॉर्ड, कि अपन चेक करेंगे कि अब अपन कितना आगे वेटेड पुल अप, वेटेड पुशअप्स, वेटेड डिप्स, स्क्वाट्स, मसल अप, ठीक है, इसमें कितना आगे जा सकते हैं, कितना वेट के साथ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं रेप्स, ठीक है। तो देखते हैं, आज मैं स्क्वाट्स करूँगा सबसे पहले। तो मैं आपसे स्क्वाट्स का शो करता हूँ कि कैसे और कितना मैं वेट बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले वेटेड स्क्वाट्स कभी भी नहीं किया, ठीक है, मतलब 50-60 के जी से ऊपर कभी लिया ही नहीं, क्योंकि मेरा फील्ड है प्रोफेशनल जिमनास्टिक्स है, तो जिमनास्टिक्स में कभी ऐसा रिकमेंड किए नहीं कोचेस भी कि वेटेड स्क्वाट्स करो करके, ना उनके पास स्क्वाट्स रैक था ना कुछ था, तो अपन कभी ट्राई भी नहीं किए। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे कैलिस्थेनिक जब स्टार्ट किए, ठीक है, जैसे स्क्वाट रैक रखा हुआ है वहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने अभी वेटेड स्क्वाट्स स्टार्ट किए, ठीक है, अभी यहाँ पे, और 1-2 महीने हुए, ठीक। तो देखते हैं अब कितना इम्प्रूव है और कितना मैं आगे जा सकता हूँ और कैसे मैं ग्रेजुअली इसको बढ़ाऊँगा, वो सब शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं वार्म अप करता हूँ, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। गैस ऑल सेट फॉर स्क्वाट्स, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वार्म अप सेट करेंगे अपन, थोड़ा 40 kg, 55 kg, 60 kg ऐसा वार्म अप सेट करते हैं, फिर अपन डायरेक्टली अपना PR वाला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैसे वार्म अप सेट है, सौरभ है जो मेरे साथ कर रहे हैं, उनका भी PR है आज। तो गैस वार्म अप सेट डन हो चुका है, अपन डायरेक्टली करेंगे क्या PR। 4 सेट में जाना है अपने को और मैक्सिमम वेट, तो पिछले बार मैं 80 या 85 kg में फेल हुआ था, जब अपन के पास स्क्वाट रैक नहीं था वहाँ पे करते थे अपन, ठीक है, बार्स के पास ऐसे। तो अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, मैं सोच रहा हूँ 85 से स्टार्ट करूँ, ठीक है, चलो 4 सेट में करना है।
तो गाइस 85 उतना इजी नहीं था, थोड़ा सा बॉडी वेट आगे जा रहा था, मेरे को डेड लिफ्ट भी करना पड़ेगा, बैक का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है लग रहा है 55 में, लेकिन हो गया। अब 3 सेट और बाकी है, धीरे धीरे बढ़ा के देखते हैं कहाँ तक जाते हैं अपना। तो गाइस अभी अपने और भी स्टूडेंट्स आ गए जो कर रहे हैं वार्म अप अपना, ठीक है वार्म अप सेट, तो इनका भी पी आर है आज।
Baby, piece by Dallas, make it hurt. गाइस फाइनली पीआर सेशन डन हो गया है। पीआर सेशन मतलब कि वन रैप मैक्स का, और उसमें पीआर भी गया है। स्क्वाट्स का तो गया ही है, मैंने स्क्वाट्स ज़्यादा किया ही नहीं। बार डेज, पुल अप्स, मसलअप, ये सारे चीज़ तो किए हुए हैं, लेकिन इन मेरा एम था कि मैं रेंज अच्छा लूँ, रेंज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। तो आप देख के बताना, जितना भी आप देखे हैं नीचे कमेंट करो कि कौन सा रैप काउंट है, कौन सा रैप काउंट नहीं है, और काउंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और ये सारी चीज़ ठीक है। और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करता हूँ, हमारे स्टूडेंट भी इंप्रूव कर रहे हैं, और हम लोग अभी बिगनर ही है, मान के चलो कैलिस्थेनिक्स में। देखते हैं एक डेढ़ साल में कितना इंप्रूव करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था वर्ल्ड रैप मैक्स का इस चैनल में, तो अब मैं डालता रहूँगा इसमें कैसे कैसे जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम करते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, ओके बाय, मिलते हैं।